बॉयज थिंग्स से आपका क्या मतलब है? हाँ जी, एड में आता है सच अ बॉयज थिंग्स, तो आपके हिसाब से बॉयज थिंग्स क्या? यू नो सर, काफी सालों से देखा जा रहा है कि जब हम स्कूटर के बारे में बात करते थे, सो इट वाज ऑलवेज यू से अ वुमन राइड्स अ स्कूटर, अ मैन राइड्स अ बाइक, बट आई थिंक आज जमाना इक्वालिटी के बारे में है. आई थिंक अ वुमन एंड मैन आर कंप्लीटली इक्वल टू ईच अदर. यू सी सो मेनी वुमेन नाउडेज राइडिंग बाइक्स एंड सच हेवी बाइक्स. So I think कोई खराबी नहीं है if a boy rides a scooter. I personally love riding a scooter. I think it's super mileage, it's easy handling, especially जो हमारे मुंबई में जो traffic है, parking space नहीं होती, it's really easy, ना gears होते हैं, and I think it's हाँ जी, so I think it's great. You know, I myself enjoy riding a scooter. The first gift I ever got from my parents was a scooty. एक स्कूटी आती थी, वह जब पेडल मार के वो स्कूटर चलती थी. सो या आई वुड एडवाइस एवरीवन हु वांट्स टू क्विकली गेट टू वर्क, हु डोंट वांट टू टेक टू मच ऑफ अ हेडेक ऑन यू नो कहाँ पार्क करे अपनी गाड़ी या चेंजिंग गियर्स इन ट्रैफिक, दे कैन ऑलवेज राइड समथिंग बिकॉज ये बॉयज की लाइफ ईजी है. नंबर जब स्कूटर कोई चलाता है तो ही हैज टू बी केयरफुल. ऑफकोर्स वेयरिंग अ हेलमेट सर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक रोड सेफ्टी is something we all must follow. We should never drink and drive. We should always wear a helmet and we should follow rules and regulations. And are you happy with the Bombay roads for the scooter? Sir, कौन happy है Bombay roads से? कोई तो happy नहीं है. And अब तो डर लग रहा है कि अब बारिश शुरू होगी तो क्या होगा. But like I said, we are all hopeful. हम सब hopeful है कि we'll always get the infrastructure of our country will get better. And so let's cross our fingers. रणवीर, स्कूटी अकेले चलाना पसंद है या किसी लड़की के साथ? और अगर आपने चलाई है पहले तो किस किस को पीछे बिठा के चलाया? मैंने एक्चुअली रॉकस्टार में चलाई थी एक बाइक. आई थिंक दैट्स द ओनली फिल्म वेयर आई हैव रिडन अ बाइक. बट आई थिंक अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि यू नो मैं किसी को डबल सीट लेके जाऊँ. आई एम स्टिल लर्निंग. वो और एक बैलेंस भी एक आर्ट होता है कि हाउ डू यू बैलेंस समबडी सिटिंग पिलियन. सो आई प्रेफर राइडिंग अलोन. रणवीर हाय, एक फिल्म आई थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वहाँ पे कटरीना कैफ ने बाइक चला था. आपने कहा कि लड़कियाँ बाइक चलाती है तो अच्छा लगता है, तो यू नो शी रोड अ बुलेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो कभी आप कटरीना के पीछे बाइक पे बैठना चाहोगे? ऑफ कोर्स, कौन कटरीना के पीछे बाइक पे नहीं बैठना चाहेगा. बट लाइक आई सेड यू नो इट्स वेरी हार्ड टू टेक समबडी डबल सीट. बहुत कंट्रोल होता है एंड बैलेंस होता है. अभी तक फिलहाल मैंने आई हैव नॉट टेकन एनीबडी डबल सीट, नॉर हैव आई हैव रिडन अ मोटर बाइक व्हिच इज एज हेवी एज द बाइक शी रोड. बट जब आई गेस प्रैक्टिस अच्छी होगी तो देन आई विल प्रोबब्ली आस्क. रणवीर, पहला राइडिंग हमेशा याद रहता है, कौन से एज में आपने पहला बाइक राइडिंग करना हमेशा यादगार होते हैं? आपने कौन से टाइम में फर्स्ट राइडिंग किया था? जैसे मैंने कहा था जी, मैं आई थिंक जब मेरा आई थिंक 16 बर्थडे, मॉम एंड डैड हैड गिवन मी अ स्कूटी, लेकिन आई वाज अलाउड क्योंकि आई वाज अंडर एज टू राइड इट. तो जो मेरे घर का जो पार्किंग स्पेस है मैं वहीं चलाता था. रोज स्कूल के बाद आके दो राउंड मार के आई यूज टू फील के यू नो मैं बहुत बड़ा हो गया, मैं आजकल मोटर बाइक चला रहा हूँ. तो आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ राइडिंग अ बाइक. एंड देन आई गेस जब मैंने रॉकस्टार में चलाई थी. रणवीर हाय, the female version of I don't know, the Hero Pleasure bike is the brand has signed up Alia Bhatt for this the female version for this bike. So in future do we see you know maybe doing an ad with her, because she categorically says on camera that she loves you a lot? Well, I would love to do a movie with Alia, not just an ad film. You know, she's extremely talented. I've loved her work in all of the movies that I've seen of hers. I wasn't aware that she was signed as this. She was okay. Congratulations. But yeah, I would love to do a whole film with her. Okay, and talking about love, I think this question really doesn't leave you anywhere. No, it doesn't, any press conference. So we've asked you this umpteen time, you know, maybe I'll just ask you directly. There have been reports that you and Katrina have shifted together and are living in. How true are those reports? You know, like I said, a couple of days back also, you guys were there at the Lekaram Diwana Dil. I don't know how many of you all were there. That the house I live with my parents, we're going into redevelopment. So when you go into redevelopment, the people staying in the house, they have to move out. So their house can get redeveloped. Who I'm moving in with, who I'm staying with, who I'm not staying with is, I would like to keep that personal because I'm unmarried. The day I get married, I will openly speak about it. I've always maintained that. But eventually, yes, there were so many stories, so many conjectures that I'm leaving my parents and my father has said this, get out of the house. So I feel really bad,
My life has become like a reality show, and my parents are old now. You know, I don't want them to read such stuff about them because it's embarrassing for them and all of that. But yes, we have to move out of the house because we're going to redevelop. One more thing which doesn't leave you is the pictures which whenever you go, you know, abroad, and yours and Katrina's pictures always come about in publications.